Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we start our part 2 exercises of chapter 10, Agam. So first question is question number 1, one word. One word ka pehla question hai. First number is who makes rules for the well-being of the citizen? जो citizens हैं, जो लोग हैं, well-being उनके भले के लिए rules कौन बनाता है? मतलब जो इंडिया के लोग हैं, नागरिक हैं, वहाँ proper रहने वाले लोग हैं, उनके भले के लिए well-being होता है, भले के लिए, उनके well-being के लिए, अच्छाई के लिए rules कौन बनाता है? So answer is government, G-O-V-E-R-N-M-E-N-T, government make rules for the well-being of the citizens. Second number is which government branch is responsible for making the laws? जो government की कौन सी branch इस चीज के लिए responsible है कि वो laws को, नियम्स को, rules को बनाती है? कौन सी branch है? Legislature. L-E-G-I-S-L-A-T-U-R-E. Legislature is the branch of government is responsible for making the laws. लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की वह ब्रांच है जो रिस्पॉन्सिबल है रूल्स को बनाने के लिए. थर्ड नंबर क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट. अब जो लॉज तो बना दिए, नियम बना दिए, रूल्स बना दिए, अब वो गवर्नमेंट की कौन सी ब्रांच है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, रन करते हैं, है ना, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है, आंसर इज एग्जीक्यूटिव, E-X-E-C-U-T-I-V, एग्जीक्यूटिव, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रनिंग द गवर्नमेंट. फोर्थ नंबर इज वेयर इज द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड. जो इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट है उसका सेंटर कहाँ है, मतलब वो कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन न्यू दिल्ली, जो हमारी इंडिया की कैपिटल भी है. द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. फिफ्थ नंबर इज Who is the current president of India? India के current president कौन है? President मतलब राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है ना, उनका नाम रामनाथ कोविंद है जो India के current president है. So here our one word is completed. Second question, question number 7 is name them. Official home of the President of India, मतलब जो President of India है वो कहाँ पे रहते हैं, उनका official home कौन सा है? Answer is राष्ट्रपति भवन, R-A-S-H-T-R-A-P-A-T-I, राष्ट्रपति भवन, official home of the President of India. Second number is at the village level the local self government is known as, जो विलेज लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है किस नाम से जाना जाता है उसको? ग्राम पंचायत. आंसर इज ग्राम पंचायत, जी आर ए एम पी ए एन सी एच ए वाई ए टी, ग्राम पंचायत. थर्ड नंबर नेम देम इज द हेड ऑफ द पंचायत इज नोन एज, जो पंचायत के हेड होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? सरपंच, द हेड ऑफ पंचायत इज सरपंच. फोर्थ नंबर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हैं उनको क्या कहते हैं? मेयर, एम ए वाई ओ आर, मेयर, द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज मेयर. फिफ्थ नंबर इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विलेज टाउन और सिटी, जो विलेज टाउन और सिटी के जो लोग हैं वो मिलके कौन सी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, फॉर्म मतलब बनाते हैं. द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द, जो गवर्नमेंट बनती है लोगों के द्वारा, कहाँ के लोगों के द्वारा? विलेज के लोगों के द्वारा, टाउन के लोगों के द्वारा, सिटी के लोगों के थ्रू कौन सी होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इन जो गांव के लोगों के, जो टाउन सिटी के पीपल हैं उनसे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट नंबर इज थ्री ब्रांचेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट की थ्री ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर इज लेजिस्लेचर, सेकेंड नंबर एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. जो लेजिस्लेचर है दे मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव
मेक श्योर जो जो लेजिस्लेचर ने रूल बनाए हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं करना, मतलब जो इम्प्लीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है, इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो एग्जीक्यूटिव करते हैं. थर्ड इज जुडिशरी, जो जस्टिस को डिलीवर करते हैं. अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है मार्ट, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कौन जस्टिस को डिलीवर करते हैं, जुडिशियरी. सेकेंड नंबर इज नेम द फॉलोइंग इज थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. वी ऑल नो थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लेवल का वर्क होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है. जो यूनियन टेरिटरीज जिसके अंदर आती हैं, जो नेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, नेशनल कंट्री से जो आउट ऑफ कंट्री जो रिलेशंस होते हैं वो कौन करता है, सेंट्रल लेवल. सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. सेकेंड नंबर इज स्टेट गवर्नमेंट, जो लेवल जो वर्क स्टेट लेवल पे होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट, ये पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का जो वर्क होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है. थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो विलेज है, सिटी है, टाउन है, इन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 9 इज Fill in the boxes with the correct answer from the option given below. ये आपको कुछ options दिए हुए हैं, government, executive, judiciary, provide justice, legislature, make laws, implement laws, और ये boxes आपको खाली मिलेंगे. आपको इनको इन options को इन boxes में set करना है. जैसे सबसे ऊपर कौन आया, our government. यहाँ से हमने आ गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा, तो गवर्नमेंट की जो थ्री ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव जिनको यहाँ पे इन्होंने लेजिस्लेचर आएगा, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना. यहाँ से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. फिर लेजिस्लेचर का वर्क बताया है उन्होंने, नीचे थ्री बॉक्सेस बने हैं, लेजिस्लेचर का वर्क, एग्जीक्यूटिव का वर्क एंड जुडिशियरी का वर्क. तो लेजिस्लेचर का वर्क है मेक लॉस, एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क है, इम्प्लीमेंट लॉज बी, और जुडिशरी प्रोवाइड जस्टिस. तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, आपको इन बॉक्सेस में फिल करना है. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 एंड बॉक्सेस आर ऑल्सो 7. तो हमें इन बॉक्सेस में सेट करना है. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9. Question number 10 is answer the following questions. First number question is, where are the central and state government located in India? Jo central or state government hai, wo India mein kahan pe located hai? So answer is, the central government is located in New Delhi. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको हम जो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वी ऑल नो द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया. और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो इंडिया की जो स्टेट कैपिटल होती है, कैपिटल ऑफ ईच स्टेट, तो वहां पे गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे वर्क करती है. तो वो दो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है. तो हमने बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया. नाउ टर्न टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उनकी ड्यूटीज, जो उनकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं. तो यहाँ पे बता रहे हैं द ड्यूटीज मतलब क्या क्या काम करते हैं. द ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत आर टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, मेक रोड्स, रन स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल, सेटलिंग द डिस्प्यूट इन द विलेज. वो क्या करते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, ग्राम पंचायत क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड क्लीन वाटर, क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं कहाँ, किनको, जो विलेज के लोग होते हैं, विलेजर्स जिनको कहते हैं उनको. मेक रोड्स, रोड्स बनाने का काम करते हैं. रन स्कूल, स्कूल्स को रन करते हैं. हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका ध्यान रखते हैं. एंड हॉस्पिटल्स, और सेटलिंग द डिस्प्यूट
इन द विलेज, जब विलेज के लोगों के जो गांव के लोग होते हैं उनमें डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको सेटलिंग करते हैं, मतलब आपस में उनको उनकी दोस्ती करवाते हैं ना, सेटल डाउन करते हैं, तो ये वर्क ग्राम पंचायत का होता है. नाउ क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. वो कह रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, ये टाउन और सिटीज में आती है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कहाँ पर है, टाउन्स और सिटीज में है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इन टाउन एंड सिटीज. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो टाउन और सिटीज में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था ग्राम पंचायत में भी ड्यूटीज होती हैं, तो जो टाउन और सिटीज में जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके क्या क्या काम होते हैं. सो द आंसर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इन टाउन एंड सिटीज आर. क्या क्या करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज जो टाउन और सिटीज में होती है? फर्स्ट नंबर इज कलेक्टिंग गार्बेज. वो क्या करते हैं, हर प्रॉपर एरियाज में से गार्बेज होता है ना, कचरा, वो इकट्ठा करने के लिए जो गाड़ियां होती हैं जो कचरा इकट्ठा करती हैं उनको कलेक्ट करने का काम उनका होता है. वो अपॉइंट करते हैं कुछ लोगों को ताकि क्या है, हर घर हर स्ट्रीट में जाकर, प्रॉपर एरियाज में जाकर जो गार्बेज है उसको कलेक्ट किया जाए. सेकंड नंबर इज प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो चेक करते हैं भी जो प्रॉपर एरियाज बने हैं टाउन और सिटीज में उन तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो वाटर है वो प्रॉपर प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल रही है नहीं मिल रही है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे रिलेटेड, तो वो प्रॉपर उनके पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये टाउन और सिटीज में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो ये चीज ध्यान रखती हैं. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, ये चीजें ध्यान रखते हैं. थर्ड नंबर इज प्रोवाइडिंग बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स. वो क्या करते हैं, जो रोड्स होती हैं, जो कच्चा रोड्स होती हैं, पक्का रोड्स होती हैं, उनकी प्रॉपर रिपेयरिंग वर्क मतलब क्लीनिंग का काम, बिल्डिंग प्रोवाइडिंग का काम, ये सब भी वो करते हैं. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब जो प्रॉपर वो सेट करके रखते हैं, जो वहाँ के पूरे जो भी वर्क कर रहे हैं वो वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और स्कूल्स को भी रन करते हैं. ठीक है, हेयर इज लेसन 10 कंप्लीटेड.